हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे जो कि आज हम आपके साथ जुड़े हैं इंडिया वर्सेस श्रीलंका के मैच को लेकर। तो आपको पता हो, आपको बता दें कि इंडिया ने मैच जीत लिया और ये बहुत ही रोमांचक मैच हुआ। तो इंडिया के बैटिंग के लिए आज एक किसी बुरे सपने का दिन नहीं, बुरे सपने जैसा दिन था। जैसे कि आज इंडिया का टॉप ऑर्डर, जो कि कल के टॉप ऑर्डर की बात करें तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और केएल राहुल, जो कि बहुत अच्छी फॉर्म से कल आए थे, उनका आज सब धरा का धरा रह गया। उनके विकेट्स बहुत जल्दी गिर गए। तो जैसे मैं आपको मैच की समरी बता दूं कि इंडिया ने आज 213 रन का स्कोर खड़ा किया। उस 213 रन के स्कोर में सबसे जो हाईएस्ट स्कोर थे वो तो रोहित शर्मा, जिन्होंने 53 रन बनाए, और उनके बाद जो नेक्स्ट स्कोरर थे वो थे केएल राहुल, और फिर उनके बाद ईशान किशन, जिन्होंने 33 रन बनाए। और वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि अक्षर पटेल जी भी 26 रन बना गए, वरना हम तो 200 भी क्रॉस नहीं करते। तो ये था पहली इनिंग का लेखा जोखा। और पहली इनिंग में जिन्होंने हमारी बैटिंग ऑर्डर्स को आज आईना दिखाया हुआ था, दुनित वेलेज ने 10 ओवर डाल के 40 रन दिए, बट महत्वपूर्ण 5 विकेट लिए। महत्वपूर्ण 5 विकेट का मतलब रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और विराट कोहली, इन चारों को उन्होंने चलता किया। और रही करी कसर उन्हीं के टीम के असलंका ने पूरी कर दी। असलंका ने अपने 9 ओवर में मात्र 18 रन देकर एक मेडन ओवर फेंक के 4 विकेट लिए। तो ये इंडिया टीम की कमर पूरी तोड़ दी। और रही गई कैसे जो आखिरी जो विकेट बचा था वो लिया अपने त्रिक्षणा ने। त्रिक्षणा ने एक विकेट लिया, बट उनके उनका इकोनॉमी रेट भी काफ़ी अच्छा था। वो तो शुक्र मनाओ कि रंजीता, जो उनकी टीम से जो ओपनिंग स्पेल लेके आए थे, जिन्होंने 4 ओवर में 30 रन दे दिए। तो ये लेखा जोखा था पहली इनिंग का। इंडिया ने 49.1 ओवर खेले, जिसमें कि इंडिया ने पूरे अपने सारे विकेट गवा दिए और 213 रन बनाए। और 213 रन भी ऐसे बन गए कि वो लास्ट में अक्षर पटेल उछले बल्लेबाजों के साथ बल्लेबाजी करते रहे, वरना ये 213 भी नहीं बनते। तो जवाब में स्कोर ऐसा लग रहा था कि एक टाइम पे कि श्रीलंका ये साइंस अचीव कर लेगा। जैसे कि श्रीलंका के बल्लेबाजों ने जैसे श्रीलंका की जब बल्लेबाजी आई तो उनकी स्टार्ट भी अच्छी नहीं रही। बुमराह ने सबसे पहली विकेट जो बुमराह ने जो पहली विकेट ली थी वो 7 रन पे ही उनके जो मेन बल्लेबाज थे निशंका, उनको आउट किया। और फिर उसके बाद में छोटी सी साझेदारी हुई, 25 रन तक गए, बट उसके बाद में फिर से एक विकेट गिरा, जो कि कुलश मेंडिस के रूप में गिरा। कुलश मेंडिस को फिर से बुमराह ने ही आउट किया। तो यहाँ पर उनके 2 विकेट गिर चुके थे, बट इसके बाद जो तीसरा और चौथा विकेट गिरा, तीसरा विकेट भी करुणरत्ना के रूप में गिरा। करुणरत्ना ने तीसरा विकेट जो 25 रन पे गिर गया, पर चौथा विकेट जिसके थोड़ी बहुत साझेदारी हुई, जहाँ पर इंडिया को लग रहा था कि एक विकेट गिरना बहुत ज़रूरी है, जो कि सदीरा के रूप में गिरा, वो 68 रन पे गिरा। फिर ऐसा लगने लगा कि अभी इंडिया मैच जीत जाएगा, कि आसानी से जीत जाएगा। अभी बहुत रन चाहिए थे श्रीलंका को बनाने के लिए। उनके टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज ऑलरेडी आउट हो चुके थे, बट फिर 73 पे 5th विकेट गिरने के बाद 99 पे हमारा दुशन सनांका का विकेट गिरता है। फिर एक अच्छी साझेदारी होती है धनंजय डी सिल्वा के बीच में, और धनंजय डी सिल्वा के बीच में और इनके दुनित वेलेज, जो कि इनके बॉलर आज जो कि इम्पोर्टेंट बॉलर थे, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी साझेदारी होती है। तो इन दोनों के बीच में साझेदारी होती है तो ये पार्टनरशिप इनको 162 तक लेके जाती है। बट यहाँ पर इंडिया की सांसें अटक चुकी थी, 162 रन हो चुके थे, विकेट अभी 6 ही हुए थे, और कुछ भी मैच में हो सकता था, क्योंकि अभी उनके पास 4 महत्वपूर्ण विकेट बचे थे। तो इंडिया यहाँ से सोच रहा था कि अब मैच गया और अब कुछ नहीं हो सकता। बट इसके बाद में फिर से धनंजय डिसलवा को चलता किया रविंद्र जडेजा ने, जो कि बहुत अच्छे स्पेल पे वापसी आए थे। धनंजय डिसलवा को चलता किया। फिर रही कई कैसे जो 3 बल्लेबाज बचे थे, ठीक है, जो 3 बल्लेबाज बचे थे उसमें से लास्ट में हार्दिक पांड्या को वापस बुलाया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने अपने स्पेल में ऑलरेडी ओनली हार्दिक पांड्या ने 4 ओवर किए थे, तो हार्दिक पांड्या को वापस बुलाया गया स्पेल पे। और हार्दिक पांड्या ने कमाल किया, हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी बॉल डाली, जो कि हार्दिक पांड्या ने एक अच्छी बॉल डाली जो बोल्ड कर दिया किसको, आपके महेश त्रिक्षणा को, ठीक है। और उसके बाद में आपके लास्ट के 2 विकेट्स बचे थे। अब तो ऐसे एक औपचारिकता ही बची थी कि मैच इंडिया के पक्ष में आ चुका है। फिर आए हमारे कुलदीप यादव, फिर जो पहली ही बॉल थी उस पर चलता किया आपके करसुन रंजिता को, और फिर लास्ट में पथिराना को भी उन्होंने क्लीन बोल्ड किया। तो दोनों बल्लेबाजों को उन्होंने 2 बॉलों पर क्लीन बोल्ड करके ये मैच इंडिया के झोली में डाल दिया। बट बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था,
अप एंड डाउन चलता रहा मैच में। जैसे कि आप जानते हो कि पहले इंडिया ने बैटिंग करी 213 बनाया, फिर श्रीलंका को 213 बनाने नहीं दिया, अपना जो 213 का टारगेट था वो डिफेंड किया। बट बहुत अच्छी यहाँ से बोलेंगे बॉलिंग बहुत अच्छी हुई इंडिया की। आज आज बॉलिंग टेस्ट था एक तरीके से बोले, क्योंकि बैटिंग में आज इंडिया उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना कल किया था। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एटलीस्ट हाँ पिच में स्पिन अच्छा था, आज स्पिनर्स को बहुत मदद थी पिच से, इसीलिए आज जो आप विकेट भी देखोगे तो टोटल 9 विकेट आपके श्रीलंका की तरफ से, और एक सेकेंड 9 विकेट श्रीलंका की तरफ से और 6 विकेट इंडिया की तरफ से स्पिनर्स ने लिए। तो टोटल मतलब 20 में से 15 विकेट आपके स्पिनर्स ने लिए, जो मात्र 5 विकेट है वो आपके पेसर्स ने लिए हैं, जिसमें कि 4 विकेट इंडिया ने लिए और 1 विकेट आपका श्रीलंका ने लिया। बट ये बहुत अच्छा मैच था, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। दोस्तों मैं इसी के ये बोलूँगा कि इंडिया अब इसके फाइनल में पहुँच चुका है एशिया कप में। एशिया कप के फाइनल में अब कौन सी टीम आती है, आइधर पाकिस्तान आएगा, आइधर श्रीलंका आएगा, आइधर बांग्लादेश आएगा, वो तो आने वाले मैच बताएंगे। बट अभी इंडिया ने अपना राह कंप्लीट किया है और इंडिया इसी के साथ फाइनल में एशिया कप में पहुंच चुका है। और एशिया कप में फाइनल में पहुंचने के बाद इंडिया का मुकाबला इन तीनों टीमों में से किसी के साथ होगा जिसका रन रेट अच्छा होगा। बट आज का मैच एक हमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देगा, क्योंकि जैसे हमने पहले बैटिंग करी तो हमारे पास स्कोर बहुत कम था, बट हमारे बॉलर्स में भी बहुत दमखम है कि हम इतने स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू इंडिया टीम। एंड दोस्तों मैं ये बोलता जाऊंगा कि आपको आज का मैच देखना चाहिए था, क्योंकि आज का मैच बहुत इंटरेस्टिंग था। आपके साथ मैंने इस मैच का लेखा जोखा रखा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही मैचों के लिए आप हमेशा जुड़ते रहिए। हम आपके साथ वापस लाइव जुड़ेंगे इंडिया वर्सेज बांग्लादेश के मैच में, जो कि इंडिया अपकमिंग मैच जो इंडिया वर्सेज बांग्लादेश करेगा उसमें आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ उस मैच को भी साझा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद,